हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा है बहुत बढ़िया होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं आपके साथ मिलके सूजी और दही का टेस्टी नाश्ता। एक कटोरी सूजी ले ली, एक कटोरी सूजी, एक कटोरी दही और आधी कटोरी पानी मिला के हम ये इसका बैटर तैयार कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इसका मैंने बैटर तैयार कर दिया। इसको आधा घंटा रेस्ट पे रख दिया था। सूजी सूजी भी देखिए अच्छे से फूल गई है। अब इसमें हम क्या करेंगे, सब्जियां डाल देते हैं। ये देखिए, ये बीन्स है, हमने धो के बारीक काटी हुई है। और ये शिमला मिर्च, ये भी हमने धो के बारीक काटी हुई है। और ये है गाजर, गाजर भी हमने धो के बारीक काटी। और ये थोड़ी सी हरी मिर्च है। और ये चिली फ्लेक्स, इसको अब हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरह का हमने ना ज़्यादा पतला है ना ही ज़्यादा गाढ़ा इस तरह का बैटर तैयार कर लिया। अब इसमें हम नमक डाल देंगे और इसको भी, नमक को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अगर आपको ये थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है तो इसमें अभी हम हल्का सा और पानी डाल देते हैं। बहुत गाढ़ा लग रहा है, अभी इसमें हम हल्का सा पानी और डाल देते हैं और नमक भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इतना पतला मेरे को बैटर रेडी करना है। और अब इसमें आप चाहें तो थोड़ा सा हम इनो डाल देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इनो का एक पाउच हम इसमें डाल देते हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। और ये इनो आपको उसी समय मिक्स करना है जिस समय आप बनाने के लिए रेडी हो। इधर देखिए, मैंने तवा रख दिया है गैस में और तवा हमारा गर्म हो गया। अब इसमें थोड़ा सा हम घी डालते हैं और ये घी के ऊपर ही हम थोड़े से सरसों के दाने डाल देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, दाने हमारे अच्छे से चटक गए हैं। अब इसी में हम ये बैटर जो मिक्स किया हुआ है, ये कम छोटी कड़छी है ये, तो 2 से 3 कड़छी हम इसमें आराम से डाल देते हैं। ये देखिए, अब इसको हम फैला देते हैं और गैस हमने रखनी है सिम पे। अब इसको हम ढक देंगे ढक्कन से। ये देखिए फ्रेंड्स, 2 मिनट हो गए, इसको हम चेक करते हैं। ये देखिए, धीरे धीरे ये चारों तरफ से पक रहा है और इसमें हल्का सा इधर ऑयल डाल के पलटने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, पक गया नीचे से और बहुत ही आसानी से ये पलट भी जाएगा। इसको अब हम पलट देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो सरसों के दाने डाले हैं ना, इससे इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आ जाता है। और ये देखिए, इधर से पक गया है और दूसरी तरफ से पलट के हम फिर ढक देते हैं। 2 मिनट बाद चेक करते हैं फिर। ये देखिए फ्रेंड्स, दोनों तरफ से हम अलटते पलटते हुए इसको हमने पका दिया। ये देखिए, दोनों तरफ से हमारा अच्छे से पक गया। और मीडियम आंच में आप इसको पकाएं या सिम आंच में, तो बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी बनेगा। ये देखिए, अच्छे से पक गया है, बिल्कुल भी कच्चेपन में नहीं है। अब इसको हम उतार लेते हैं। ये देखिए, इसी तरह मैंने दूसरा चिल्ला भी डाल दिया और इसको मैंने ढक देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना ही सॉफ्ट हमारा चिल्ला बन के रेडी हुआ है। इस तरह अगर आपको हमारी बनाई हुई रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आएँ, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।